दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरी मम्मी की रसोई में। आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि शायद ही आपने खाई होगी, और अगर आप तीखा खाने के बहुत शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेरी मम्मी की रसोई की ये स्पेशल आलू की चटनी। हेलो दोस्तों, हमारी जो आलू की चटनी में जो सामान हमें चाहिए वो है भुने हुए आलू। हमने इन्हें चूल्हे में भून लिया है और अच्छे से धो लिया है। साबुत मिर्ची, हरा लहसुन और हरा धनिया। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं चटपटी आलू की चटनी। सबसे पहले हम लेंगे 6 से 7 साबुत लाल मिर्ची और इनकी डंडियां हम छुटा लेंगे। चलिए पीसना शुरू करते हैं। ये हमारी मिर्ची पिस गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। इसको पानी डाल के पीस लेंगे। जीरा पीसने के बाद अब हम डालेंगे इसमें हमारा हरा लहसुन। थोड़ा थोड़ा पानी घेर के पीस लेंगे। हम इसमें अपना धनिया की पत्ती डालेंगे और थोड़ा पानी डाल के इनको भी पीस लेंगे। अब हम इसमें हमारे भुने हुए आलू एक एक करके इसमें फोड़ लेंगे। दोस्तों हमें इसे छीलना नहीं है, इन्हें ऐसे ही पीसना है ताकि स्मोकी फ्लेवर आए और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का हल्का सा पीस लेंगे। एकदम बारीक नहीं करने हैं आलू, थोड़े थोड़े से ही फोड़ने हैं। अब डालेंगे हम इसमें बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। और नमक आप इसमें अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और एक बार थोड़ा सा और पानी डालें और इसको मिक्स कर लें। लीजिए हमारी आलू की चटपटी चटनी तैयार है। लीजिए दोस्तों बस कुछ ही मिनटों में बनके तैयार है मेरे मम्मी की रसोई की ये स्पेशल आलू की चटनी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चटनी बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि ये एकदम ऑथेंटिक और एकदम सिंपल रेसिपी है। दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो पहले आप तक पहुँचे।